एक जड़ी ड्यूएलिटी या डाइकॉटमी या एक ऑपोजिट करंट इस सारे पीरियड च रहा है, इदे बारे जड़े सिखी थॉट नाल जुड़े हुए ने या ईवन साडे पाकिस्तानी भैन भरा जां उन्हां दे भी जड़े मैं टॉक शोज देखता रहा, उन्हां नूं तां पहले दिन तो कोई भुलेखा नहीं सी कि इस सारी किसानी लहर दी रूट जड़ भी तना भी पत्ते भी फुल भी ते फल भी सिख ने सिखी है। इन्हों का सतपाल मलिक वैस्टर्न यूपी का जाट जिहड़ा गवर्नर इन्हों का बनाया होया और जदों जम्मू कश्मीर का इन्होंने स्टेटस खत्म किया 5 अगस्त 2019 नूं तो उही सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर का गवर्नर सी, वो आके वड्डे इकट्ठ दे विच ये कह रहा है कि भी मोदी सरकार को समझना होगा ये सिख कौन है, सिखां दी डिफाइंस चों खालिस्तान निकलदा है, क्योंकि इन्होंने तो मान लिया सी क्योंकि ये गल कली खेती कानून कोई वो मोदी ने अपने लिए नहीं सी बनाए हुए, अंबानी अडानी जिन्हां दे सारे पैसे सी एवें नहीं, उन्हें सतपाल मलिक ने कहा कि कानून तो बाद में बने, पानीपत में मोगे में जो बड़े बड़े साइलो बनाए जिदे चो रखना वो तो पहला बन गया हुए क्योंकि तो कानून ही उन्होंने लिए सी। सो उन्होंने इस गल की समझ आनी शुरू हो गई कि वो लड़ाई कोई किसानी कानूनों वापस लियाण जां लागू रहण तक नहीं है, वो लड़ाई सिखां दे खिलाफ और खालिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस क्राउड को 26 जनवरी नाल जोड़ के खालिस्तान झंडा आतंकवाद पाकिस्तान ISI ये सारे दे नाल जोड़न की कोशिश की। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गल्लबात करांगे भावें कि जिहड़ा कहिंदे इह इक किसानी संघर्ष सी पर हकीकत विच 90% तों ज्यादा हिस्सा सी ते कुर्बानियां सिख किसानां दीआं ही हन। सो दुनिया भर दी सिख कौम इक कंध बन के किसानां दे नाल खलोती नजर आई, असल विच इह सिख फैक्टर ने ही मोदी नूं इह फैसला लैण ते मजबूर कीता। सो इस बारे आपां गल्लबात करन जा रहे हां। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं सानूं इसी तरह बने रहण, देखण सुण लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो मोदी वालों ये ऐलान तो बाद के आंदे पार्लियामेंट दे विंटर सैशन दे विच 3 खेती कानून रिपील कर दिते जाणगे, खत्म कर दिते जाणगे, एक खुशी और राहत का माहौल भी बनया, बिल्कुल एक शंका भी है और हुण इस नूं लै के बहुत सारे पासे इस दी चीरफाड़ भी की जा रही है। आने वाले पीरियड च पूरे किसान मोर्चे बारे भी होएगा, क्रेडिट लैण वालों की भी लंबी दौड़ हुणे ही शुरू हो गई है और अजे नवे नवे भी आणगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी पॉपुलर एक्सप्रेशन है कि विक्ट्री हैज मैनी फादर्स डिफीट इज एन ऑरफन, कि जित दे कई बापू हुंदे ने जिहड़ी हार है उही यतीम हुंदी है, क्योंकि हार दी जिम्मेवारी लैण नूं कोई तैयार नहीं हुंदा, जित दा तां इह हुंदा कि एज आई टोल्ड जिवें मैं कहा सी इवें हो गया। और इस सारे दे विच एक जड़ी ड्यूएलिटी या डाइकॉटमी या एक ऑपोजिट करंट इस सारे पीरियड च रहा, इदे बारे जिहड़े सिखी थॉट नाल जुड़े हुए ने या ईवन साडे पाकिस्तानी भैन भरा जां उन्हां दे भी जिहड़े मैं टॉक शोज देखता रहा, उन्हां नूं तां पहले दिन तो कोई भुलेखा नहीं सी कि इस सारी किसानी लहर दी रूट जड़ भी तना भी पत्ते भी फुल भी ते फल भी सिख ने सिखी है। और उन्हां दे सामने जदों एक पाकिस्तान दा बुजुर्ग टॉक शो होस्ट ओह कहिंदा सी कि ये सिख बड़े जिद्दी होते हैं, ये अब पीछे हटेंगे नहीं, ये अब दिल्ली पहुंच गए हैं, ये बिना लए जाएंगे नहीं वापस। हुण उन्हां नूं ये गल समझ आ रही है, इन्हां दा सतपाल मलिक वैस्टर्न यूपी दा जाट जिहड़ा गवर्नर इन्हां दा बनाया होया है और जदों जम्मू कश्मीर दा इन्होंने स्टेटस खत्म किया 5 अगस्त 2019 नूं तो उही सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर दा गवर्नर सी, वो आके वड्डे इकट्ठ दे विच ये कह रहा है कि भी मोदी सरकार को समझना होगा ये सिख कौन है। वो इंदिरा गांधी का हवाला दिंदा है, वो फिर याद दहानी करवांदा है, वो इस गल नूं भी कहंदा है कि भी जे 26 जनवरी नूं झंडा ला दिता लाल किले ते ते उसे जिस गुरु दा सीस कुछ गजदी विथ दे उत्ते कट्टिया गया सी उहदे पुत्तरां नूं क्यों नहीं हक है वह झंडा लहरा, ये उन्हां दा मुल्क है, ये तां जिहड़ा ये हटदे नहीं ने पिछे,
फिर वो कहता भी 800 साल भी भुलन हालां सिखी का बेस ही साढ़े पर, कहता कि भी ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये 800 साल भी भुलाने वाले नहीं है किसी बात को, ये इनसे पंगा मत लो। हूँ उन्होंने भी चंगी तरह समझ आ रही है कि भाई ये सिखी फैक्टर है, और जिन्होंने वो नज़ारा देखा 26 नवंबर 2019 किवें शंभू बॉर्डर तो जिहड़ा पंजाब हरियाणे का बॉर्डर है, किवें सिखी स्पिरिट, किवें 18-18, 20-20 साल के नौजवान मुंडे जिन्हां च कई सिखी सरूप च भी नहीं ने, वो किवें पानी दियां बुछाड़ां दे सामने किवें एक थां तो जंप करके वो दूजी ते जांदा है, उहदा मूंह बदल दिंदा है, किवें एडे जिन्हां बड़े बड़े पत्थरां नूं क्रेना नाल चुक के रख्या होया है उहनां नूं हत्थां नाल पासे करके जिहड़े ने वो दिल्ली वल छूकदे जांदे ने, और सब तो मूरली गड्डी जिहड़ी वो सारे नूं तोड़दी जांदे उस ते संत पिंडराणे दी फोटो लगी हुई है, और वो नौजवान जिस सारी हरियाणा पुलिस दिल्ली तक पहुंचते हैं उन्होंने पता ही नहीं लगता कि भी ये की हो रहा है, इस सिखी का करिश्मा नहीं था की सी, दुश्मन ने बहुत चंगी तरह समझा, इसलिए उन्होंने ये लग्या कि भी ये सिखां दी डिफाइंस चो खालिस्तान निकलता है, क्योंकि इन्होंने तो मान लिया सी, क्योंकि ये गल कली खेती कानून कोई वो मोदी ने अपने लिए नहीं सी बनाए हुए, अंबानी अडानी जिन्हां दे सारे पैसे सी, एवें नहीं उन्हें सतपाल मलिक ने कहा कि कानून तो बाद में बने, पानीपत में मोगे में जो बड़े बड़े साइलो बनाए जिदे चो रखना वो तो पहला बन गया हुए, क्योंकि वो तो कानून ही उन्होंने लिए सी। सो उन्होंने इस गल की समझ आनी शुरू हो गई कि वो लड़ाई कोई किसानी कानूनों वापस लियाण जां लागू रहण तक नहीं है, वो लड़ाई सिखां दे खिलाफ और खालिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो दुश्मन पहले दिन तो बड़ी कलैरिटी दे नाल अपने, इसलिए उन्होंने उस क्राउड नूं 26 जनवरी नाल जोड़ के खालिस्तान झंडा आतंकवाद पाकिस्तान ISI ये सारे दे नाल जोड़न की कोशिश की उन्होंने कोई, और हुण भी जे उन्हें लैनिन बड़ा वड्डा इनकलाबी होया उत्थे बैठे ने साडे संयुक्त किसान मोर्चे दे विच कुछ कम्यूनिस्ट किस्म के लीडर जेड़े लैनिन जां माओ जां ची गुवेरा जां उन्हां दी तां उन्हां नूं याद दहानी है, पर उन्हां नूं गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब नवंबर दी नसलकुशी दा हफ्ता 31 अक्तूबर दा दिन ये उन्हां नूं याद नहीं सी जां उहदे नाल आइडेंटिफाई नहीं करना चाहुंदे, पर जिहड़े दुश्मन नाल लड़ रहे ने उस दुश्मन ने तां उसे ताकत नूं आइडेंटिफाई करदे आ, गुरु नानक साहब दे प्रकाश पुरब दे मौके जिहड़ा वो खेती कानून वापस लैण दा कीता। सो जिहड़ी एक डाइकोटमी रही मैं समझदा कि भी जिहड़ी स्ट्रेंथ ठीक है अल्टीमेटली विक्टरी सिखी दी हुई, जे लंगर दा सिस्टम है जे आपसी भाईचारे दी गल है, और इस सारे दौर च एवें नहीं इन्हां नूं फिक्र पिया हरियाणे दे विच मनोज सिंह दूहन होए जां जिहड़े एक विचारे उस की नां उहदा प्रदीप सिंह संधु जिन्हें निहंग बाणा धारिया अमृत छकिया और उन्हों एक दो ने पहला बेइज्जत किया, गया कि जी नकली निहंग दूजा बाद चू जेल चो छड़ना पिया उन्होंने, और ये जड़ी एक लहर जिदे च के हरियाणे के जाट जिन्हां दे नाल ये भिड़ा रहे सी हमेशा तो आर्य समाजी उन्होंने बनाया दयानंद ने कि भई इन्हों सिखां दे गल पौणा है, वो सिखी वल मुड़न लगे, राजस्थान वैसटर्न यूपी के लोग आके वो कह रहे हैं कि अगर ये खालिस्तान, क्योंकि दुश्मन तो उन्होंने खालिस्तान नाल जोड़ के उन्होंने सी कि एक बार इन्हों बदनाम कर दो, पर इस गल का ध्यान रहे कि कल्ला उत्थे बैठिया की गल शायद अगे ना तुर सकती जे डायसपोरा सिख जिहड़ा 5 मिलियन सिख डायसपोरा एक कंध की तरह ना खलो जांदा, और अज जदों ये होया सब तो पहला वधाई देने वाले जो ब्रिटिश पार्लीमेंट के तनमनजीत सिंह ढेसी प्रीत कौर गिल होण, कैनेडियन पार्लीमेंट के पार्लीमेंटेरियंस NDP लिबरल कंजरवेटिव सब दे, आस्ट्रेलिया अमेरिका के कांग्रेसमैन, हुण ये जिहड़ी दुनिया भर के इत्थे तां कोई कामरेड नहीं हैगे जिन्हां ने इन्हां दे उत्ते प्रवेल किया कि जी तुसीं इन्हां किसानी कानूनों के हक च जो सरकार ने बनाए ने उहदे विरोध दे विच आवाज चुको कि पाई है किवें नुकसानदेह ने, कि ताकत सी सिखी की सी उत्थे कि चीज़ लड़ी, अल्टीमेटली जे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई है उत्थे कोई लैनिन जां मार्क्स का ड्राइविंग फोर्स नहीं है पंजाब की धरती की, वो तो पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। हुण ये जड़ा एक तबका कामरेडी लाइन वाला लैफ्टिस्ट विचारधारा वाला
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ ਇਨਫਿਓਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਊਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਸਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰੋਬੈਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਕਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 3 ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਆਤਮਘਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੇਸਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆ ਲੈ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੀਰੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀਸਫੁੱਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ